जिम्मेवारी एक दवा की तरह है। मैं आज जिम्मेवारी की बात करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जिम्मेवारी एक मेडिसिन की तरह काम करती है। आपने बहुत जिम्मेवार लोगों को देखा होगा, उनके पास समय ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं। मेरी मां हमेशा बोलती थी कि बहुत जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं। तो जो आदमी जिम्मेवार है वो आदमी बीमार पड़ ही नहीं सकता। आप जरा हॉस्पिटल जाके देखें, आप जरा पान की दुकान पे जाके देखें, आप जरा समोसे की दुकान पे देखें, आप जरा बाजारों में जरा देखें, भीड़ है। और ये भीड़ बता रही है कि सारे गैर जिम्मेदार लोग सड़कों पे केवल गॉसिप कर रहे हैं, केवल एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि जहां जिम्मेवारी होगी वहां शिकायत नहीं होगी। मैं अगर जिम्मेवार हूं तो आई विल टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, आई विल टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, आई विल टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सराउंडिंग्स। लेकिन होता ठीक उल्टा है। जितने गैर जिम्मेवार लोग हैं, जिनके पास जिम्मेवारी नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी की शिकायत करेंगे, हमेशा अपने जिंदगी का ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर देंगे। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। इसलिए अगर हम एक चीज केवल समझ जाए, एक चीज, और आज से हम बोलना शुरू करें, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिविटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, तो फिर देखें हमारे जीवन में कैसे क्रांति होती है। एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग, माई बिहेवियर विल चेंज, माई एक्टिविटी विल चेंज, एंड अल्टीमेटली माई रिजल्ट विल चेंज। सो जिम्मेवारी एक दवा है। और ये जितना जिम्मेवार और जितनी जिम्मेवारी हम अपने जीवन की लेंगे, उतना हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना हम प्रॉस्परस फील करेंगे, उतना हम अपनी पर्सनालिटी को निखारने में मदद करेंगे, उतना हम पैसे कमाएंगे, उतना हम यश कमाएंगे, उतना हम नाम कमाएंगे। इसलिए हमें अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई जिम्मेवारी मिली है, चाहे मैं शिक्षक हूँ, चाहे मैं एक बेटा हूँ, चाहे मैं एक बेटी हूँ, चाहे मैं एक पिता हूँ, चाहे मैं एक पत्नी हूँ, चाहे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, चाहे मैं पॉलिटिशियन हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फिल्म स्टार हूँ, हम अगर अपने काम की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं तो फिर हमारा चेहरा निखर पड़ेगा और हमारे पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी, हम कभी उस गरीबी के दलदल में नहीं फंसेंगे। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, आई एम रिस्पॉन्सिबल इज द फॉर्मूला टू गेट एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल इज द रियल थिंग इन लाइफ। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर ये जीवन भी नहीं है। अगर मेरी जिम्मेवारी ही नहीं है तो फिर मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं केवल जानवर हूं। जानवरों के पास कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन आश्चर्य है वो जानवर जितनी भी कुछ समझता है वो अपनी जिम्मेवारी का काम करता है। लेकिन मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, लेकिन उसको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं है। वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाता, वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाती, एक अच्छा बेटा नहीं बन पाता, वो एक अच्छा बेटी नहीं बन पाती, एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता। ये बात समझदारी के परे है। क्यों ऐसा है? बिकॉज nobody is taking responsibility. If I am taking responsibility of my life, my son will take responsibility of his life, my daughter will take responsibility of his life. तो अगर एक पिता केवल responsibility ले ले अपने कंधे पे अपने घर का, तो पूरा घर बदल सकता है। वैसे ही अगर सारे लोग अपनी जिम्मेवारियां लेने लगे तो देश स्वर्ग बन सकता है। सोचिए, this is a very important subject. अगर हम बदलना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। देर इज नो वे आउट, देर इज नो अदर वे आउट। थैंक यू।